सब्जियों में हमने देखा, लेकिन फलों में क्या करना चाहिए? तो फलों में हमें अनार है, सेब है, आंवला है, ऐसे फल खाने चाहिए जिससे पित्त का शमन होता है। दूध के साथ कोई भी फल नहीं खाने चाहिए। शाम के बाद भी किसी भी फल का सेवन आयुर्वेद में वर्ज्य बताया गया है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है। गर्मी और ये शरद ऋतु, ये दोनों सीजन में हमें छाछ और दही का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे हम जैसे ही गर्मी होती है तो हम छाछ का सेवन करते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन दही जो है वो पित्त बढ़ाता है, इसीलिए हमें दही और छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर छाछ का सेवन करना है तो हमें मिश्री के साथ उसका सेवन करना चाहिए और हर रोज नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज है कि फर्मेंटेड जो भी चीजें हैं, बेकरी की बनाई हुई चीजें हैं, वो हमें बिल्कुल भी शरद ऋतु में नहीं लेनी चाहिए, जिससे पित्त नहीं बढ़ सकता।